हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रकृति मोरा स्परेंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते सीरियसली एकदम ठीक है, अच्छा लगता है तैयारी करने में, बहुत मज़ा आता है। सपना था कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन प्रीज निकले, उसके बाद मेंस नहीं निकल पाता है, पता नहीं क्यों नहीं निकल पाता है। 25 ईयर्स की एज हो चुकी है, प्राइवेट जॉब करने का मन करता है सीरियसली, प्राइवेट जॉब। फिर उसके बाद फिर रुक जाते हैं कदम, होता है कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लिया जाए। और मेन दिक्कत ये है ना कि बेटी जो है वो 5-4 साल की हो गई है इस बार, और यही अगर बैचलर रही होती मैं तो ठीक है, सोच सकती थी कि तैयारी करते रहो। बट अब सीरियसली बता रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये मैंने अपने सेल्फ का, अपने फीलिंग्स का वीडियो बनाया है, क्योंकि देखिए आ गई है। तो सोच रही हूँ कि प्राइवेट किसी स्कूल में बात करूँ, अप्लाई करूँ। मैंने किया था, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, उमानाथ सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, अच्छा स्कूल है। वो लोग 20,000 के आसपास सैलरी देते हैं प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, तो ठीक था। बट उसके बाद पापा मना कर दिए कि नहीं, अभी मत करो बेटे, अभी पढ़ लो, अभी समय है तुम्हारे पास, देखो कितने बड़े बड़े बच्चे भी तैयारी करते हैं, वो अलग की बात है। पर फिर भी अब अजीब लगता है, देखिए क्या होता है। क्या मैं वेट 3-4 महीने सोच रही हूँ वेट कर लूँ, थोड़ी तैयारी को तगड़ी कर लूँ, ताकि सुपर टेट हो तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर एक बार आप लग जाते हैं जॉब में ना, तो उसके बाद फिर आपको समय नहीं मिलता है खुद के लिए पढ़ने का। और बस यही सब लगा हुआ है ज़िंदगी। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि होता है कि इसको ये ना लगे कि मम्मी सबसे पैसा, मतलब कि सब लोग इसको पैसा देते हैं, ये पढ़ती है ये वो। और ये भी चाहेगी ना कि मेरी मम्मी फ्यूचर में जब ये स्कूल जाएगी तो ये भी कहने के लिए रहे कि हाँ मेरी मम्मी भी कुछ हैं। तो या तो मैं हाउसवाइफ ही रहती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हाँ मैं एक स्टूडेंट थी और मेरी शादी हो गई, 20 साल की उम्र में शादी हो गई और 4 साल की बच्ची हो गई है। तो होता है, मेरे जैसे बहुत लोग के साथ ये चीज़ होता है, मैं इकलौती नहीं हूँ। तो मन करता है कभी प्राइवेट जॉब करने का, फिर अपने अंदर से होता है कि नहीं मत करो, अभी रुक जा, अभी समय है। फिर भी सोच रही हूँ एक आध तो स्कूल पता करूँ, और अगर करूँगी तो बताऊँगी। फिर यूपीएसआई का रिजल्ट का इंतज़ार हो ही रहा है। यूपीटेट तो कब का क्लियर हो चुका है, इस बार फिर से क्लियर हुआ, हर बार की अपेक्षा इस बार अच्छे मार्क्स आए हैं। और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी पता नहीं कब आएगी। फिर एडिट की वैकेंसी सुनाई दे रही है कि अगले महीने की, तो है वैकेंसीज कुछ है, थोड़ा सा लालच बढ़ रहा है कि थोड़ा रुक जाती हूँ 2-3 महीने, उसके बाद फिर अपना गवर्नमेंट सरकारी, फिर सरकारी नौकरी, तो तैयारी चलती रही प्राइवेट जॉब करने की। फिर भी सोच रही हूँ एक आध स्कूल पता करूँ, जहाँ पे इसका भी एडमिशन हो जाएगा तो ये भी पढ़ लेगी, और अगर 3-4 घंटे मैं स्कूल में पढ़ा लूँगी और अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर लूँगी। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।